महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर चक्की मालकान का एक और जुल्म। आटे की चक्की में 3 रुपए का अब इजाफा कर दिया गया है। रेट 172 रुपए से बढ़ाकर 175 रुपए किलो कर दिया गया। चक्की मालकान कहते हैं कि महंगी बिजली और महंगी गंदम से सस्ता आटा तैयार करना मुमकिन नहीं रहा। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं राहील अली से। राहील, आगा कीजिएगा, एक बार फिर निरखों में इजाफा कर दिया गया है। आटा ऑनर्स एसोसिएशन ने जो फी किलो आटे की कीमत है वो बढ़ा दी है और अब 172 रुपए से बढ़कर वो 175 रुपए फी किलो जो है वो कर दी गई है। बाकायदा तौर पर नई कीमत पर जो है वो आटे की फ्रोक का आगाज भी जो है वो कर दिया गया है। इस वाले से चक्की मालकान से जब बात हुई, उनका ये कहना था कि हुकूमत की जो गंदम की पॉलिसी है वो इंतहा नाकिस है। अभी तक गंदम की कीमत के हवाले से जो तयन है वो नहीं किया जा सका, ना फ्लोर में उसको जो है सरकारी दरख्त पर गंदम फराम की जा रही है, नहीं ना ही चक्की मालकान को जो है वो गंदम मिल रही है। ओपन मार्केट में इस वक्त गंदम की कीमत जो है वो 4800 फी बोरी से बढ़कर तकरीबन 5300 रुपए फी बोरी तक जा पहुंचे, जिसकी वजह से आटे की कीमत बढ़ाना जो है वो नागुजीर हो चुका था। इसलिए 3 रुपए किलो फी का जो है वो इजाफा किया गया। उनका कहना यह था कि अगर गंदम की कीमत मुस्तकम नहीं होती तो इसमें मजीद इससे इजाफा। ठीक है राहील अली, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।